So, very good morning, Bestway leaders. So, as you all know that every time, Bestway, whenever we meet, we greet each other with a good morning. Because जैसे हम Bestway fighter है for us, हर समय सुबह है, ना ये दोपहर ना क्या ना दोपहर है या ना शाम है, every time morning है. So इसी के वजह से Bestway इतना बड़े लेवल पे काम कर रहा है. आप सभी को पता है नोटिस में 7 ईयर से वर्क कर रहा है Bestway और कंटिन्यूस बढ़िया काम कर रहा है और आगे भी काम करेगा. और स्पेशली आप जैसे लीडर्स लोगों के साथ में मिलके तो हम बहुत बड़े लेवल पे पहले भी काम किए थे, अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करने वाला है. सो बहुत अच्छा लगा कि स्पेशली कैनपी लोमी मैम, आपने आपने टीम के लिए बहुत बार बार सोचा और आपने टीम को आज का जो सेशन में बुलाया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो सारा लीडर्स को कहूँगा कि यू शुड बी थैंकफुल टू कैनपी लोमी मैम, क्योंकि वन ऑफ द वेरी एक्टिव लीडर. आप सभी को पता है कि रेडको लीडर भी है, लेकिन सबसे बढ़िया बात ये भी है कि वो बहुत बढ़िया काम करती है, स्मार्ट है, एनर्जेटिक है, ऑलवेज उसके अंदर में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर में पोटेंशियलिटी है और उनके अंदर में लीडरशिप क्वालिटी भी है. तो इसका जो साइन है आज दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप सभी को कहीं ना कहीं आप सभी को आपका सभी आप सभी का दिमाग में शायद ऐसा नहीं था होगा कि पायलो सर को बुलाना है और आज सेशन लेना, ऐसा नहीं था भी होगा. लेकिन कैनपी लोमी मैम ने आज का जो सेशन को रखा, दैट इज़ कॉल्ड क्रिएटिविटी. और लीडरशिप के अंदर में हमेशा क्रिएटिविटी रहना चाहिए. क्रिएटिविटी ही आपको आगे लेके जाएगा, और बिना क्रिएटिविटी का तो आप इस बिजनेस में आप सभी को पता है कि फेल है. तो वंस अगेन थैंक्स ईच एंड एवरीवन, स्पेशली कैनपी मैम एंड ऑल द लीडर्स. तो देखो स्पेशली आज मुझे कैनपी लोमी मैम ने कल मेरा कल दो दो कल भी दो सेशन रहा, 5 बजे कल का जो 5 बजे में सेशन रहा अमित सर के टीम के साथ में, जहाँ पे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अरुण धवन सर और मैं दोनों ने कंबाइन सेशन लिया. उन्होंने कुछ बातें की, मैंने भी कुछ बातें किया. उसके बाद मैं इवनिंग 7 PM को कल का 7 PM को गैलर डिगबग मैम का लीडर्स का मीटिंग थे, वो टीम लीडर्स का काउंसलिंग चाहता था, तो मैंने शायद 40 to 45 मिनट्स मैंने टीम काउंसलिंग किया. और उस वक्त कैनपी लोमी मैम का एक मैसेज आया, तो मैंने वॉइस मैसेज था, मैंने खुल के देखा तो मैम ने बोला कि मुझे भी चाहिए, तो हमारे लीडर्स का भी सेशन चाहिए. सो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि एवरी टाइम आई एम रेडी, क्योंकि हम तो इसी चीज़ के लिए ही बैठे हुए हैं. आप जानते हो, देखो 7 ईयर्स Bestway में काम करना और दिन रात काम करना, तो अगर अगर इस बिजनेस में कोई पोटेंशियलिटी है नहीं, इस बिजनेस का कोई पावर है नहीं, इस बिजनेस अगर कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता या सही प्लेटफॉर्म नहीं है, सही कैरियर नहीं है, तो मैं हम सब यहाँ दिन रात लगे नहीं हुए होते. तो दिन रात लगा हुआ है, और जैसे कैनपी मैम ने मुझे बोला कि आज का सेशन चाहे, सो आई वॉज रेडी, क्योंकि जो अच्छा लीडर काम करना चाहता है फॉर देम वी आर ऑलवेज रेडी. देखो बात ऐसा है कि सारे बातें मैं ही जानता, ऐसा कुछ नहीं है. मैंने कहा कैनपी लोमी मैम सीज मोर देन टैलेंटेड मी, और आप बाकी जितना भी आप लीडर बैठे हो, आप सबको आप लोग के पास में बहुत टैलेंट है, पोटेंशियलिटी है, लेकिन क्या चीज़ें वो चीज़ें बाहर निकल के आते नहीं, बस सिंपल सी वही बात है. और अगर मैंने मन के चले मेरे अंदर में टैलेंट उतना नहीं है, मेरे अंदर में इतना पोटेंशियलिटी नहीं है, लेकिन मैं खुल के बाहर आता हूँ ना, इसलिए वो चीज़ें दिखाई देता है. तो टैलेंट आपका टैलेंट जब जब दिखाई देगा, जब आप बाहर निकल के काम करोगे. देखो आज का सेशन मैम ने मुझे बोला था कि ट्रेनिंग और फंक्शन का क्या क्या इम्पोर्टेंट है, और वाई RTW ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और आप सभी को पता है कि ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी डन 2 RTW ट्रेनिंग इन गुवाहाटी, आप सभी को पता है, ये दिस इज़ द 3rd one. तो मैम ने मुझे बोला कि हमारा लीडर्स लोगों को सर आप काइंडली बता दीजिए कि ट्रेनिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, RTW ट्रेनिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, और फंक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है. लेकिन और मैं कहना चाहूँगा कि बींग लीडर्स यू ऑल नो द इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रेनिंग एंड फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे कोई नया तो है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कुछ लोग 6 ईयर्स से काम कर रहे हैं, 5 ईयर्स से काम कर रहे हैं, 2 ईयर्स 1 ईयर से काम कर रहा है, तो सभी को पता है कि आप सभी को पता है कि ट्रेनिंग और फंक्शन का क्या इम्पोर्टेंट है, आप सभी को पता है.
तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि मुझे इसको डिटेली बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर नया होता तो मैंने टोटली कोई नया ज्वाइनिंग होता या 1-2 महीने पहले इस बिजनेस में आया होता तो मुझे उसको क्या करना पड़ता, डिटेली बताना पड़ता। लेकिन क्योंकि क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यू ऑल हैव द वास्ट एक्सपीरियंस इन पास, है कि नहीं? आप सभी ने, आप सभी को RTW का कोई भी ट्रेनिंग, नॉट ओनली RTW, कोई भी ट्रेनिंग हो, कोई भी फंक्शन हो, लेकिन आपको पता है कि RTW जो है और 5-स्टार होटल में ट्रेनिंग लेना, दैट इज द नेक्स्ट लेवल, और वहाँ पे फंक्शन करना, दैट इज द नेक्स्ट लेवल। तो आप सभी को इस चीज़ का वास्ट एक्सपीरियंस है, और मैं आप सभी को पता है कि इसके वजह से, RTW ट्रेनिंग की वजह से और मेगा फंक्शन के वजह से, रिकॉग्नाइजेशन मैंने कहता अचीवर का रिकॉग्नाइजेशन के वजह से आप सभी का बिजनेस बहुत बड़े लेवल पर ग्रोथ हुआ, ये आप सभी को पता है। लेकिन मैं आप लोग के साथ क्या चीज़ें शेयर करना चाह रहा हूँ, देखो जो RTW इस बार होने जा रहा है वो है 19 जुलाई टू 21 जुलाई 2024 गुवाहाटी में होगा। 3 दिन 3 नाइट 4 डेज का ट्रेनिंग है, ये ऑलरेडी कहता ऑलरेडी सर्कुलेशन हो गया है। हम लोग क्या करें, सारे आपको पता है कैंपी लोमी मैम ने और बाकी जैसे पैरिक मैम भी यहाँ पे है, उसके बाद में गैलर मैम ने, अंजी मैम ने, जोसला मैम ने, मैं खुद ने इस चीज़ के लिए बड़े लेवल पे हम लोग ने वीडियो बना के प्रमोशन स्टार्ट कर दिया। हमने प्रमोशन ऑलरेडी बड़े लेवल पे स्टार्ट कर दिया, लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि 1-2 लोगों का प्रमोशन करने से, मैंने कहता ये ट्रेनिंग जो फंक्शन वगैरह है वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। इसमें क्या है, सभी का हाथ चाहिए, सभी, हर कोई इसमें जोर लगाना पड़ेगा, हर किसी का कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन चाहिए, है ना? तो अभी देखो आप लोगों का, मैंने कहता आप लोग क्या चाहता है, यू वॉन्ट टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग टीम ना, आप चाहता है कि एक स्ट्रॉन्ग टीम हो, पावरफुल टीम हो, जहाँ से आपका टीम को टाइम मनी फ्रीडम भी मिले, टाइम फ्रीडम भी मिले और हैप्पी लाइफ हो। देखो अभी जैसे आप बैसवे में क्यों आए हो, बैसवे में आप और हम कोई टाइम पास करने के लिए नहीं आए, हमने अपने मैंने 6 ईयर्स अपना लाइफ का 6 ईयर यहाँ लगा दिया। कैंपी मैम है, बाकी पैरी मैम है और बाकी लीडर लोग, ईसा मैम भी यहाँ दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों ने यहाँ मैंने कम से कम नहीं होने से भी 3 to 5 या 6 ईयर्स लगाया होगा। तो हम यहाँ क्या करने आए, टाइम पास करने के लिए नहीं आए, हम यहाँ क्या करने के लिए आए, आप मैंने स्ट्रॉन्ग टीम बनाए, पावरफुल टीम बनाए और उसके बाद में मनी फ्रीडम भी ले और टाइम फ्रीडम भी ले और अच्छा खासा जिंदगी जिए। देखो और आप क्या चाहता है, क्योंकि आप ये भी तो चाहता होगा कि जैसे आपको मैंने मनी फ्रीडम मिले, टाइम फ्रीडम मिले और अच्छा जिंदगी आपका हो, उसी तरह ऑब्वियसली यू वांट दैट योर आपका टीम है उसको भी सेम, मैंने कहता आपका, मैंने कहता आपका टीम भी सेम, मैंने कहता अपॉर्चुनिटी इंजॉय करे, चाहता है कि नहीं चाहता? ऑब्वियसली चाहता है कि नहीं? क्योंकि देखो मैंने कहता हमारा बिजनेस ऐसा है, अगर आपका टीम का ग्रोथ होगा ऑटोमेटिकली आपका तो ग्रोथ होगा ही होगा। अगर आपका जो टीम है ना, अगर आपका टीम का अचीवमेंट होगा आपका ऑटोमेटिकली अचीवमेंट होगा। अगर आपका टीम के पास में फाइनेंशियल फ्रीडम है, टाइम फ्रीडम है, अच्छा जिंदगी जी रहा है, ऑब्वियसली आपका तो ऑटोमेटिकली होना ही होना है, क्योंकि वो आपका टीम है कि नहीं? टीम का ग्रोथ में हम सभी का ग्रोथ है, आप सभी को पता है कि टीम का ग्रोथ में हम सभी का ग्रोथ है। तो ऐसे लीडर मुझे यहाँ पे जितना आज का सेशन में है, ऑलमोस्ट एवरीबडी इज लीडर्स, ओके? और लीडर ऐसा नहीं कि उसके पास 10-20 हज़ार टीम हो तभी लीडर्स, लीडर्स तो वो है जहां से उसने ID खोल के, जिस दिन से उसका लैब में एक आ गया, राइड में आ गया, क्योंकि उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया ना, है कि नहीं? उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया, उसको अपने नीचे का जो टीम है 2 लोगों को केयर करना पड़ेगा, तो डेट टाइम ही और सी बिकेम है लीडर, उसी वक्त ही वो लीडर बन जाता है। लेकिन आप चाहता है कि जो अपॉर्चुनिटी आपको मिला है वो आपका टीम को भी मिलना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आपका प्रोसेस ऑफ सक्सेस कहाँ पे है, टीम का प्रोसेस ऑफ सक्सेस में है, ये आप सभी को पता है कि नहीं? तो आप क्या चाहता है कि मैंने आपका टीम ग्रोथ हो, आप भी ग्रोथ हो, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, दैट इज द इम्पोर्टेंट, है कि नहीं?
इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको टीम को सिस्टम का नॉलेज देना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट। मैं दूसरे वर्ड में बोलो तो यू हैव टू प्रोवाइड सिस्टम एजुकेशन टू द योर टीम। मैं हमेशा ये बोलता हूं, देखो नॉलेज का बिना इस बिजनेस में फेल है। मैंने छोटे लेवल पे नॉलेज कम चाहिए है कि नहीं, लेकिन जब आप बड़े लेवल का लीडर होता है तो आपको नॉलेज भी ज्यादा चाहिए, स्किल भी ज्यादा चाहिए, ये समझो। और हमेशा मैं बोलता हूं कि आप लोगों को हमेशा बोलता हूं कि जब भी ट्रेनिंग होता है तो शायद बहुत सारे लोग तो मेरे बातें सुन के उब भी गया होगा। मैं बोलता हूं कि बड़े लेवल पे ही लोग नेटवर्किंग बिजनेस छोड़ता है, बड़े लेवल पे ही जब उसका लेवल बढ़ेगा ना तब वो नेगेटिविटी में चला जाता है, जो बड़े लेवल पे होगा तभी वो कंफर्ट जोन में चला जाता है, बड़े लेवल पे होगा तो भी वो सिस्टम को छोड़ता है। क्यों? लोग बोलता है कि ईगो का वजह से छोड़ता है, जलस का वजह से छोड़ता है, बोलता है, ऐसा नहीं है। लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ स्किल, क्योंकि अगर आपका 10-20 हजार टीम हो जाएगा तो आपको संभालने के लिए तो ग्राउंड में जाकर सभी के 20 हजार के लिए आप प्लान कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा ना। 20 हजार लोगों को आप फॉलोअप कर, घर घर में जाकर फॉलोअप कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा ना। तो आपका एक्टिविटीज मैंने चेंज हो जाता है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो जाता है। यू हैव टू प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड मीटिंग टू योर टीम सो दैट यू यू कैन रिटेन योर टीम। लेकिन लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ स्किल आपको वो चीजें करने से रोकता है। फिर आप क्या करते हो, इस सिस्टम से आउट हो जाते हो। फिर लोग पूछते हैं इतना बड़े लेवल का लीडर क्यों छोड़ दिया? इसलिए छोड़ दिया, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ स्किल, ये समझाओ, ये चीजों को समझाओ। इसलिए मैंने कहा था आप सभी को क्या चाहिए कि अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो आपका प्रायोरिटी क्या होना चाहिए कि अपने टीम को सिस्टम का एजुकेशन बताए, है ना। मेरे कहने का मतलब नॉलेज, आपके पास नॉलेज होगा तभी आपके अंदर में स्किल बढ़ेगा, है कि नहीं। आपका टीम को नॉलेज होगा, आपका टीम के पास में नॉलेज होगा तभी स्किल होगा। अगर आपके अंदर में, आपके टीम के अंदर में अगर नॉलेज भी आ गया, स्किल भी आ गया, तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। देखो एक ही प्रोडक्ट है, एक ही प्लान है, एक ही अपॉर्चुनिटी है, कुछ लोग क्यों इतना आगे जा रहा है, कुछ लोग पीछे क्यों रह गया, कुछ लोग आगे जाके क्यों रुक गया? बिकॉज सिंपल थिंग, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ स्किल। ये चीज को आप लोग को समझना पड़ेगा। आप फिर बोलोगे व्हाई सर को तो ट्रेनिंग, मान व्हाई ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट, फंक्शन इंपॉर्टेंट के लिए के बारे में बताओ बोल के तो बुलाया था, फिर ये कहां नॉलेज स्किल के ऊपर में आ गया? ये रिलेटेड है, यही तो रिलेटेड है। और ये चीज को मैं आप लोगों के साथ में ऐसे लीडर क्लियरिफिकेशन करना चाहता हूं। आप लोग का माइंड में से जो डाउट हो ना, वो चीज आप लोग, मगर आप लोग का जो माइंड में जो डाउट है ना, वो चीज को हटाना चाहता हूं। देखो अगर आपके पास में सिस्टम का नॉलेज है तो सिस्टम का नॉलेज क्या करेगा, आपके स्किल को बढ़ाएगा, है कि नहीं। जो सिस्टम का नॉलेज है आपका स्किल बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा कि आपका जो प्रोस्पेक्टिंग का, छोटे से लेके हम लोग छोटे से बात करते हैं, आपका जो प्रोस्पेक्टिंग का स्किल भी बढ़ेगा, आपका मीटिंग का स्किल बढ़ेगा, आपका ट्रेनिंग का स्किल बढ़ेगा और आपका फंक्शनिंग स्किल बढ़ेगा, अगर आपके पास में सिस्टम का नॉलेज है कि नहीं। तो उसके बाद में देखो, रेशियो ऑफ योर ग्रोथ इन बिजनेस डिपेंड हाउ अर्ली यू प्रोवाइड नॉलेज एंड स्किल टू द टीम्स, ये समझो, है कि नहीं। आपका जो रेशियो ऑफ ग्रोथ इन योर बिजनेस, आपका रेशियो क्या, बिजनेस में ग्रोथ का रेशियो कौन तय करेगा? जब आप क्या करोगे, जितना जल्दी हो सकता है अपने टीम को नॉलेज और स्किल प्रोवाइड करोगे, तभी जाके आपका बिजनेस में ग्रोथ हो सकता है कि नहीं। दूसरा चीज हमेशा बोलता है कि जो नॉलेज और स्किल है ना, वो क्या करेगा, आपका टीम आपको कॉन्फिडेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाएगा और इंडिपेंडेंट बनाएगा, सबसे बड़ा बात, ये चीज समझो। जो नॉलेज है ना, नॉलेज प्लस स्किल विल मेक योर टीम एंड यू कॉन्फिडेंट, रिस्पॉन्सिबल एंड इंडिपेंडेंट। जब आपका टीम इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा क्या? ऑब्वियसली नहीं करेगा, क्योंकि देखो उसके पास प्रोस्पेक्टिंग का नॉलेज है, उसके पास ट्रेनिंग का नॉलेज है, उसके पास मीटिंग का नॉलेज है, उसके पास टीम काउंसलिंग का नॉलेज है, उसका ऑफलाइन ऑनलाइन ट्रेनिंग देने का नॉलेज है, उसको सोशल मीडिया का नॉलेज है,
हर चीज का अगर नॉलेज हो गया सो वाई दे विल डिपेंड अपॉन यू। लेकिन कहां पे हम मार खाते हैं, जब आपका टीम के पास में कुछ चीजों का नॉलेज नहीं होता। हम बोलते ना कि 10,000 का टीम है, स्टिल देन आई एम डूइंग प्लान्स फॉर देम। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं कि मेरे पास में 10,000 का टीम है, बट स्टिल आई एम डूइंग प्लान फॉर देम। वाई? बिकॉज मैंने सिस्टम का एजुकेशन को, सिस्टम का स्किल को हमने क्या किया, इम्पोर्ट पावर ऑफ नेटवर्किंग बिजनेस को हमने अपने टीम का दिमाग में या दिल में इम्पार्ट नहीं किया। तो सारा 10,000 लोगों के लिए काम हम कर रहे हैं ना, कर रहे कि नहीं कर रहे है? कर रहे कि नहीं? दिस बिकम हार्ड वर्क। और जब आप हार्ड वर्क से तो नेटवर्किंग बिजनेस तो कभी सक्सेस होगा नहीं। हमेशा यह बोला जाता है कि जो कंधे से ऊपर से काम करता ना वही सक्सेस है, जो कंधे के नीचे से काम करता है वो हमेशा मैंने कहा अनसक्सेसफुल है। कंधे मैंने सोल्जर का ऊपर का मतलब क्या है, यू आर वॉकिंग विद योर माइंड, ओके, ब्रेन से काम कर रहा है। और जो कंधे का नीचे मीन्स आप लेबर का काम कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है। और नेटवर्किंग बिजनेस लेबरिंग का काम नहीं है, नेटवर्किंग बिजनेस हार्ड वर्क सॉरी स्मार्ट वर्क का काम है। तो स्मार्ट वर्क कब होगा, जब आप टीम को सिस्टम का स्किल सिस्टम का नॉलेज दोगे तभी जाके वो स्मार्ट वर्क करेगा। नहीं तो क्या करता कि माने 10,000 टीम हो गए, इसने भी मेरे को प्लान के लिए बुला लिया, उसने भी मेरे को प्लान के लिए बुला लिया, इसने भी मेरे को मीटिंग के लिए बुला लिया, उसने भी मेरे को मीटिंग के लिए बुला लिया, यहां जाएगा ना वहां जाएगा, और लास्ट में थक हार के हम क्या करते हैं, मैंने कहता है कंफर्ट जोन में चला जाता है, और लास्ट में आपका टीम बैठ जाता है। फिर आप बोलते हो दो आई एम हैविंग 10,000 टीम बट मैं सिस्टम में नहीं हूं। वाई? बिकॉज लैक ऑफ द नॉलेज एंड स्किल। ये चीज को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। देखो जब नॉलेज और स्किल आ जाएगा ना, ऑब्वियसली आपका टीम तो सक्सेस होगा। अगर टीम सक्सेस होगा तो आप तो ऑटोमेटिकली सक्सेस होगा ना, ऑटोमेटिकली, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाट यू हैव टू डू, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने चीजें तो मैंने आपको वाई ट्रेनिंग एंड मीटिंग का मैंने तो आपको बता दिया कि मैंने आपको ग्रोथ करने के लिए क्या नॉलेज भी चाहिए, नॉलेज भी चाहिए और क्या चाहिए, स्किल भी चाहिए, वो सक्सेस है। लेकिन मैंने आपको मैंने कहा मान के चले एक प्रॉब्लम तो बता दिया, लेकिन इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव द सोल्यूशन ऑल्सो। तो इसका क्या सोल्यूशन है, ये चीजों का क्या सोल्यूशन, व्हाट यू हैव टू डू। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर नॉलेज, यू एंड योर टीम हैव टू कम टू द ट्रेनिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज नॉलेज के लिए आपको कहां आना पड़ेगा, खुद को और टीम को। आप अकेले आने से नहीं होगा। देखो आज आपने आया, कुछ और लोगों को लेके आता, अपने काम से अपने कान से सुन के जाता तो आपका वर्क इजी हो जाना था। लेकिन क्या हुआ, आप कितने लोग, आप कुछ लोग आया, लेकिन आप कुछ लोगों को तो एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा ना बाद में। यही काम बन जाता मेरे थ्रू, सारा काम बन जाता, लेकिन आपने कुछ लोग ने आया और बाकी लोग आया नहीं। तो ये चीजें आपको दोबारा उन लोगों को बताना पड़ेगा है कि नहीं, 100% बताना पड़ेगा, है ना। लेकिन तो आपका काम डबल हो गया ना, आप सिंगल वे में काम खत्म कर सकते, डबल काम हो गया। उसी तरह आपको नॉलेज का अपना बिजनेस का सक्सेस के लिए, टीम का बिजनेस का सक्सेस के लिए, टीम को सपनों को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए सबसे पहले चीज तो नॉलेज चाहिए। और नॉलेज के लिए आप खुद तो आना ही आना है, साथ में टीम को भी लेकर आना है ना। अगर आप सिंगल होगे, आप अकेला सुन के जाएगा, आपका दो ही कान, दो कान ही सुन के जाएगा। लेकिन अगर आपका हजारों लोग बैठेगा तो हजार कान तो सुन के जाएगा ना, तो हजार कान सुन के जाएगा, हजार मुंह से मैंने कहा फील्ड में लोगों को बताएगा, तो हजार लोग ज्वाइन होगा कि नहीं होगा, लाखों ज्वाइन होगा कि नहीं होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, सिंगल जाते हैं और सिंगल आते हैं, सिंगल जाते हैं और सिंगल आते हैं, और जिंदगी भर सिंगल ही रह जाता है ना। लेकिन जो लीडर खुद भी ट्रेनिंग में नॉलेज गेन करने के लिए खुद भी आता है और टीम को भी लेके आता है, वही इस बिजनेस में सक्सेस है। देखो हमने देखा कि जो लीडर नेटवर्किंग बिजनेस में ज्यादा टीम लेके आता है ट्रेनिंग में नॉलेज गेन के लिए, वही इस बिजनेस से सक्सेस है। तब सबसे पहले
नॉलेज गेन के लिए आपको ट्रेनिंग में आना पड़ेगा, और ट्रेनिंग में अकेला नहीं आना है, टीम को भी लेकर आना पड़ेगा, और ट्रेनिंग विल प्रोवाइड यू स्किल, और ट्रेनिंग ही आपको और आपका टीम को स्किल बताएगा, स्किल सिखाएगा। क्योंकि नॉलेज आपको चाहिए तो ट्रेनिंग में आने पड़ेगा, और स्किल तो आपको ट्रेनिंग में ही तो मिलेगा, है कि नहीं? ग्राउंड में जाकर तो स्किल, मैंने कहता ग्राउंड में जाके तो स्किल नहीं मिलेगा, घर में जाके तो स्किल नहीं मिलेगा। अगर आप अकेले आते हो, स्किल तो आप अकेले ही तो जानेगा ना, लेकिन अगर आप 100, 200, 300, 400 अपने टीम को लेके आते हो, तो एट द टाइम क्या होता है कि आपका नॉलेज भी मल्टीपल होता है, स्किल भी मल्टीपल होता है, क्योंकि आपके साथ में आपका 1000 टीम आ गए ना। दोबारा सुनो, अगर आप सर मैक्सिमम टीम को लेके आओगे तो एक साथ में आपका नॉलेज भी मल्टीपल होगा और स्किल भी मल्टीपल होगा, और जब स्किल भी मल्टीपल हो, नॉलेज भी मल्टीपल होगा, स्किल भी मल्टीपल होगा, तो सक्सेस भी मल्टीपल होगा कि नहीं होगा? एक आदमी को सक्सेस नहीं मिलेगा ना, आपका नीचे में जितना भी ट्रेनिंग में सबको सक्सेस मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 100 लोग आएगा, 100 को सक्सेस मिलेगा, तो आप तो मान, अगर 100 लोग आता है, 100 लोग अगर एक करोड़ कमाता है, ऑब्वियसली आप तो 10 करोड़ कमाएगा इस बिजनेस में। तो बात वही है, इसलिए बोलता है कि नॉलेज चाहिए तो ट्रेनिंग में आने पड़ेगा, है ना? टीम के साथ में अकेला मत आइए, और ट्रेनिंग से ही आप स्किल सीखेगा और स्किल आपको सक्सेस दिलाएगा, ये चीज को जान लो। उसके बाद में देखो, आप सभी को पता है कि ट्रेनिंग आपको स्किल बढ़ाता है, लेकिन फंक्शन क्या करता है, किसी भी कंपनी का यूएसपी पावर बताता है, है कि नहीं? बोलो। हम लोगों का 2-2 RTW हुआ था, मैंने जैसे एक RTW में कम से कम 70-80 कार अचीवर निकला, रिकॉग्नाइज किया, बहुत अदर रिकॉग्नाइजेशन किया गया, मैंने छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक किया गया, लेकिन मैंने कहा था वहां पे एक RTW में मोर देन 70-80 मैंने कहा था कार अचीवर को रिकॉग्नाइजेशन किया गया कि नहीं किया गया? किया गया ना। तो मैंने 400-500 लोगों के सामने में 70-80 कार अचीवर अगर आप रिकॉग्नाइज करोगे, तो जो ऑडियंस वहां बैठा है उसको पता चल जाएगा कि बेस्ट वे में मैंने कहा था काम करने से इतना गाड़ी अचीव होता है, इतना फॉरेन टूर अचीव होता है, लोग यहां से करोड़ कमाते हैं, लोग यहां से जिंदगी बदलता है, वो पता चल जाएगा, है कि नहीं? अब हम लोगों ने दूसरा RTW किया था, वहां पे भी कितना मैंने रिकॉग्नाइजेशन में किया, डायमंड का रिकॉग्नाइजेशन हुआ, जो बेस्ट वे से डायमंड बने, जो हाईएस्ट आना था सबका रिकॉग्नाइजेशन हुआ, लेवल रिकॉग्नाइजेशन हुआ, उस वह भी मोर देन 30-40 कार अचीवर का रिकॉग्नाइजेशन हुआ। तो दो बार RTW हुआ तो बिजनेस ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ, टीम मल्टीपल हुआ कि नहीं हुआ, हर किसी ने इस बिजनेस से कमाया कि नहीं कमाया, हर किसी ने इस बिजनेस से अचीवमेंट लिया कि नहीं लिया? 100% लिया। इसीलिए देखो, इसलिए आप लोग देखो, अभी देखो दो चीज, ट्रेनिंग और फंक्शन इज द की टूल टू सक्सेस नेटवर्किंग बिजनेस बोलता है। तो बेस्ट वे आपको दोनों चीज प्रोवाइड कर रहा है, स्किल भी प्रोवाइड कर रहा है, जिससे आपका टीम को भी मैंने टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम मिलेगा, टाइम फ्रीडम मिलेगा और हैप्पी लाइफ होगा, है ना? आपका भी होगा, और साथ में फंक्शन बेस्ट वे का पावर दिखाएगा, बेस्ट वे कंपनी का USP दिखाएगा, बेस्ट वे का जो मैनेजमेंट का USP दिखाएगा, पावर दिखाएगा, बेस्ट वे का लीडर्स का, बेस्ट वे का जो लीडर्स है ना, उसका पावर दिखाएगा, USP दिखाएगा, और बेस्ट वे का नेटवर्क है उसका पावर और एक मैंने USP देखेगा। अगर आप नए लोगों को और रिसेंटली ज्वाइन एसोसिएट को, अगर जो एसोसिएट ज्वाइनिंग तो है काम नहीं कर रहा है, अगर इन सभी को अगर आप वहां बिठाओगे, तो वो अपने आंखों से नेकेड आई से 3 दिन का ट्रेनिंग भी लेगा, स्किल भी सीखेगा, और बेस्ट वे का जो पावर है, USP है, वो जानेगा, तो 100% है वो दोबारा कभी बेस्ट वे छोड़ के नहीं जाएगा। ये चीज मान के चलो, जितना भी लीडर्स आज टॉप लेवल पे है, जितना भी हाईएस्ट अचीवर मैंने कहा बेस्ट वे में है, जितना भी हाईएस्ट अर्नर आज बेस्ट वे में है,
सभी ने खुद भी ट्रेनिंग में आया, आरटीडब्ल्यू ट्रेनिंग में आया, माने ट्रेनिंग का पार्ट हुआ और फंक्शन का पार्ट हुआ, वो भी सक्सेस है और टीम भी सक्सेस है। इसलिए मैं तो आप सभी को कहूंगा कि आप लोग ये जो जो मेगा जो हमारा इवेंट बोलिए ट्रेनिंग और फंक्शन का, तो हम तो आप सबसे चाहता कि आप लोग क्या करो, मैक्सिमम प्रमोशन स्टार्ट कर दो। देखो कल मैंने भी बात बताया था कि देखो आप लोग अगर सोचते हो कि टीम खुद से कर लेगा, कभी नहीं करेगा। आप हिलेगा, लीडर हिलेगा तो भी टीम हिलेगा, अगर लीडर नहीं हिलेगा टीम नहीं हिलेगा। क्योंकि देखो हमारा बिजनेस तो घर घर में जाके चॉकलेट सेल करने के लिए नहीं है, है कि नहीं, लिपस्टिक हो सेल करने के लिए तो नहीं है, हेयर ऑयल सेल करने के लिए तो नहीं है। हमारा बिजनेस है रियल नेटवर्कर बनाने का, लोगों को सेल्समैन बनाने का नहीं है। और हमारा बिजनेस और जहां पे सेल्समैन बनाने का होता वहां बिजनेस ग्रोथ नहीं होता है, लेकिन जहां रियल नेटवर्कर बना जाता है, जहां रियल एंटरप्रेन्योर बना जाता है, जहां पे एजुकेशन पर ज्यादा फोकस हो, जहां रिकॉग्नाइजेशन पर ज्यादा फोकस हो, वहां बिजनेस ऑटोमेटिकली बड़े लेवल पर जाता है। और उस कंपनी का जो चाहे एसोसिएट हो, चाहे लीडर्स हो, चाहे कंपनी हो, उनका वो हाई लेवल पे जाता है। तो यही है हमारा बेस्ट वे का स्टोरी, है ना, यही है हमारा बेस्ट वे का रियलिटी। तो मैं आज सब से करने आप सब लीडर से कहना चाहूंगा कि आप लोग मैक्सिमम प्रमोशन स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप घर से बाहर निकाल के नहीं आओगे, आप सोचो कि टीम खुद खुद कर लेगा, कभी नहीं करने वाला है। अगर टीम ने खुद खुद करना होता पहले ही कर लेता, पहले ही हो जाता, लेकिन लीडर हिलेगा नहीं टीम हिलेगा नहीं। लीडर कंफर्ट जोन में है तो टीम भी कंफर्ट जोन में है, लीडर अगर फील्ड में है तो टीम भी फील्ड में है, लीडर अगर नेगेटिव है टीम भी नेगेटिव है, अगर लीडर पॉजिटिव है टीम भी पॉजिटिव है, अगर लीडर मैंने कहता लीडर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है टीम भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, है ना। तो ये सारे चीज है, तो आप इस चीज को मान के चलना पड़ेगा। देखो अपॉर्चुनिटी हर किसी का जिंदगी में बार बार नहीं आता, ये आप सब जानते हो। अपॉर्चुनिटी देखो मुझे भी अपॉर्चुनिटी बेस्ट वे एक ही बार मिला। अगर मैंने उस वक्त मैंने अगर इस अपॉर्चुनिटी को नहीं लिया होता तो मैं आज इस जिस लेवल पे है वहां पे नहीं होता। अब मन चले कनपी लोमी मैम है, तो अगर उस वक्त मैम ने बेस्ट वे का अपॉर्चुनिटी नहीं लिया होता तो आज इस लेवल पे नहीं होता, है ना। तो यही एक बिजनेस है जहां आपको नेम एंड फेम आसानी से मिल जाता है, आसानी से, और बिन मांगे मिल जाता है। बाकी में तो मांगना पड़ता है कि नहीं बोला, यही एक ऐसा बिजनेस है जहां बिन मांगे आपको मैंने लोग रेस्पेक्ट देता है। देखो मैंने भी एक मेयर एसोसिएट ज्वाइन किया था, जस्ट मेयर एसोसिएट, लेकिन आज के समय में देखो मोस्ट प्रोमिसिंग डायरेक्ट सेलिंग लीडर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड ये, और इतना बड़ा चैनल यूट्यूब चार्टर्ड सुरेंद्र वर्ड्स में गया जहां लेजेंड लोग जाते हैं। और तीसरा चीज एक सिंपल नो रिस्क आदमी कंपनी में नकली नहीं असली डायरेक्टर भी हो गया। तो ये चीजें क्या है, हम भी आप लोग का जैसे ही मैंने कहा था सिंपल एक एसोसिएट होकर इस बिजनेस को जोड़ा था, लेकिन सबसे पहले चीजें हमने क्या किया, बिलीव किया कंपनी को, अपने आप को बिलीव किया, टीम को बिलीव किया, लीडर्स को बिलीव किया, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने अपने माइंडसेट बनाया कि मुझे बेस्ट वे करना है, बेस्ट वे को प्रायोरिटी दिया और प्रोफेशनली काम किया। और प्रोफेशनली क्या चीज है, नॉलेज लेना, स्किल बढ़ाना, तो वो तो प्रोफेशनल है कि नहीं बोलो, ये तो है। जो आदमी प्रोफेशनली काम नहीं करते हो कहीं भी जाके इस बिजनेस में फेल है। हम लोग सोचता था ऐसे दो जोड़ने से हो जाता है, लेकिन जब गहराई से नेटवर्किंग को बिजनेस को समझा, जब गहराई से बेस्ट वे को समझा, तो मुझे समझ में आ गया था ऐसा नहीं चलने वाला है। नॉलेज चाहिए, नॉलेज का बिना स्किल नहीं है, और स्किल के बिना इस मैंने बिजनेस में सक्सेस नहीं है। और नॉलेज लेना है तो ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा, ट्रेनिंग से ही स्किल मिलेगा और स्किल से सक्सेस होगा। और मुझे पता था कि किसी भी कंपनी का किसी भी मैंने कहता बेस्ट में सॉरी अगर मुझे पता था कि अगर बेस्ट वे का पावर बताना है, लोगों को बेस्ट वे का यूएसपी दिखाना है, तो मुझे खुद हाईएस्ट आर्नर बनना पड़ेगा, मुझे खुद बड़ा बड़ा अचीवमेंट लेना पड़ेगा। आप लोग ने देख ही लिया ना, बड़ा बड़ा अचीवमेंट लिया, हाईएस्ट आर्नर है। आज का समय में अगर बोला जाए बेस्ट वे में टॉप आर्नर तो हम ही है कि नहीं बोलो। अगर आज का समय में बोला जाए बेस्ट वे में सबसे हाईएस्ट अचीवमेंट भी मेरा है,
है कि नहीं बोलो। और आप देखो नेशनल लेवल में इतने बड़े लेवल पे नेटवर्किंग बिजनेस में रिकॉग्नाइजेशन मिलना, ये कोई आम बात नहीं है, ये बहुत बड़ा बात है। लेकिन फिर बार बार वही बोल रहा हूँ कि इसके लिए मैंने क्या किया, नॉलेज पे फोकस किया, अपने स्किल को बढ़ाया और सक्सेस के रास्ते पे है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये सारा चीज़ आपको ट्रेनिंग में ही मिलेगा और फंक्शन में ही मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि देखो अपॉर्चुनिटी आपका लाइफ में बार बार आएगा नहीं है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि इतना सुंदर अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिला है, इसको लाइटली मत लो, बिल्कुल लाइटली मत लो। मैंने बोलता नहीं आप बाद में पछताने से क्या फायदा, जैसे बोलता है आप पछताए क्या फायदा जब चिड़िया चुग गए खेत। अभी हमने ना प्रमोशन करा RTW ट्रेनिंग के लिए, ना लोगों को बिठाया, ना खुद भी गया। मैंने कल को अगर ये सारी चीज़ें करेगा नहीं तो आप, अगर ये सारी चीज़ें आप करेगा नहीं है तो आपको कहाँ से पैसा आएगा, टाइम फ्रीडम आएगा, अचीवमेंट आएगा। तो आपको सिस्टम छोड़ कर जाना पड़ेगा, इसलिए सिस्टम बहुत पावरफुल है। सिस्टम का आगे कुछ कोई चीज़ें टिकता नहीं है। तो मैं तो बोलूँगा कि जो RTW का प्रमोशन है, आप लोग अपने लेवल पे जितना बड़े लेवल पे हो सकता है करो, बाकी कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा उसको छोड़ दो। आप क्या कर रहे दैट इज इम्पोर्टेंट। लोग नहीं जा रहा, दिस विल बी नॉट मैन योर प्रॉब्लम, अदर्स नॉट पार्टिसिपेट, सॉरी अदर्स आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, दिस विल बी नॉट योर प्रॉब्लम। आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपका टीम पार्टिसिपेट, आपका टीम को पार्टिसिपेट कराना, दैट इज द इम्पोर्टेंट। आपका फोकस आप खुद भी रहना, टीम को भी उस मैंने कहा ट्रेनिंग का पार्ट बनाना है, फंक्शन का पार्ट बनाना है, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाता है। और जो लीडर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करता है वही इस बिजनेस में सक्सेस है। तो देखो अभी क्या चीज़ है, मैं अभी हम लोग क्या कर रहा है, आप सभी को पता है इसमें से बहुत सारे लोगों का टीम नागालैंड में हो सकता है। तो हम लोग 5 जून को 10 बजे होटल सीधर दिमापुर में RTW का प्रमोशन करने जा रहा है। तो आप लोग जित अगर हो सकता है तो आप लोग भी आइए, अगर आने से तो बहुत बढ़िया बात है। इसलिए बोलता है अगर लीडर नहीं बैठेगा तो टीम भी नहीं आएगा, ये तो बात मैंने थोड़ा देर पहले बताया था। तो सेकंड से आप खुद भी आइए और जितना भी आपका नागालैंड का टीम है उसको क्या कीजिए, उस दिन का जो RTW का प्रमोशन है उसमें आप लोग बिठाने के लिए कोशिश कीजिए। और दूसरा चीज़ है मैं कहना चाहूँगा, देखो आपका बहुत बढ़िया लीडर है, आज का जो जूम सेशन का इनिशिएटिव किसने लिया, आप सभी को पता है, कैनपी लोमी मैम ने लिया। तो आपका बहुत बढ़िया लीडर है, एक्टिव लीडर है, स्मार्ट लीडर है और हमेशा करने को रेडी है। लेकिन बात यह है कि हमारा बिजनेस टीम वर्क का बिजनेस है, आप लोगों ने भी कैंपी मैम को एफर्ट में पूरा सपोर्ट करो। मैं तो बोलता हूँ कि जो मैम बोलता है वो सुनो, अच्छा अपलाइन का बात सुनना बहुत ज़रूरी है और अच्छा अपलाइन के बातों पे एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है और हमेशा अपलाइन को रेस्पेक्ट करना, अच्छा अपलाइन को रेस्पेक्ट करना है। और आपका लीडर कैंपी लोमी मैम बहुत अच्छा लीडर है, बहुत टॉप लेवल का लीडर है, स्मार्ट है, जो मैंने पहले भी बोल चुका हूँ। तो ऐसे लीडर के साथ काम करके आपको मज़ा आने वाला है और वाकई में आप सबका उनका ज़िंदगी तो बदलेगा और साथ में आप सभी का भी ज़िंदगी बदलने वाला है। तो हमेशा यस कीजिए, कभी भी नो मत कीजिए। अगर कैंपी मैम बोलता है मैंने कुछ भी करने के लिए, चाहे मीटिंग करने के लिए, चाहे ट्रेनिंग करने के लिए, चाहे प्रमोशन के लिए, तो आप घर से बाहर निकल के आइए, मैम के साथ में साथ दीजिए, फिर देखना कैसे ज़िंदगी नहीं बदलता है, 100% बदलेगा। लेकिन सबसे पहली चीज़ हमको उस चीज़ के लिए बाहर निकल के आना पड़ेगा। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो हमेशा एक मैंने इम्पोर्टेंट प्रभाव है, आप समझ लो, आखिर बोलता है कि टाइम इज लाइक ए टाइट वेट फॉर नॉन, है ना, जो पानी का जो लहर है वो जो आगे आया लहर दोबारा आता है क्या, नहीं आता ना। तो उसी तरह टाइम जो गया टाइम आपके लिए मैंने कहा दोबारा लौट के तो आने वाला नहीं है, और ये जो समय है आपके लिए रुकने वाला नहीं है, है ना, और आने वाले समय वो आपके लिए रुकने वाला नहीं, इसलिए समय के साथ चलो। इसलिए बोला जाता है कि दोबारा बोला हूँ, टाइम इज लाइक ए टाइट वेट फॉर नॉन, किसी के लिए रुकता नहीं, गया कल आपके लिए दोबारा आने वाला नहीं है, आने वाला कल आपके लिए रुकने वाला नहीं है, है ना। तो समय का साथ चलिए। और ये RTW भी एक समय पे हो रहा है, 19 जुलाई से लेके 21 जुलाई, ये 3 नाइट 4 डेज का है,
इस टाइम को वेस्ट मत कीजिए, इस डेट को वेस्ट मत कीजिए, इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दीजिए, और कैनपी मैम के साथ मिलके आप लोग जोर शोर से प्रमोशन लगाइए और RTW को सक्सेस करने के लिए कोशिश कीजिए। RTW का सक्सेस आपका टीम का सक्सेस है और टीम का सक्सेस आप सभी का सक्सेस है। तो आप लोगों ने पेशेंसली मुझे जेला आज का सेशन में, सो थैंक्स एवरीवन, स्पेशली थैंक कैनपी लोमी मैम, आपने मुझे मौका दिया कुछ चीज़ें शेयर करने के लिए। सो मैं तो चाहूँगा कि जब भी कुछ भी आपको मीटिंग, आप लोग को मीटिंग चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, वेदर इज ऑफलाइन ऑनलाइन कुछ भी चाहे, आई एम एवरी टाइम रेडी। सो विद दिस आई कंक्लूड माई सेशन एंड एवरी वन गो डायमंड फ्रॉम बेस्ट वे। कैनपी लोमी मैम, इफ यू वॉन्ट टू से समथिंग देन नो इट्स योर टर्न। ओके मैम।